नमस्ते फ्रेंड, आपको पता होगा कि देना बैंक और विजया बैंक, ये दोनों बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। तो आपके अकाउंट नंबर सभी नए आएंगे, वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा के आएंगे। तो आपका नया अकाउंट नंबर आ गया है या नहीं, वो आप चेक करना अपने मोबाइल में चाहते हैं तो कैसे चेक करें। मैं आज इस वीडियो में आपको अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का, अगर आपका अकाउंट देना बैंक या विजया बैंक में है तो वो अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र हो गया होगा या होने वाला है। तो ये नया अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड कैसे जाने, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो लिंक पे क्लिक करके सीधी टैब खुल सकते हो। ये लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल में आएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है और उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक लिखा हुआ है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले आपको अपना देना बैंक या विजया बैंक का ओल्ड अकाउंट नंबर है वो डालना है। एंटर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना ओल्ड अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद आपको आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड या एमआईसीआर कोड, इस दोनों में से आप किसी एक डाल सकते हो। उसके बाद आपको कैप्चा कोड जो बॉक्स में दिया गया है वो डालकर सबमिट कर सकते हो। तो चले हम ये कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एंटर अकाउंट नंबर लिखा हुआ बॉक्स है उसमें मेरा देना बैंक का अकाउंट नंबर डालता हूँ। उसके बाद मैं आईएफएससी कोड डालना चाहता हूँ तो मैं आईएफएससी कोड डालूँगा। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दोनों लिखने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, आपको वो कैप्चा कोड फिलअप करना है। कैप्चा कोड लिख दिया है, अब हम नीचे दिए गए सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा न्यू अकाउंट नंबर मैपिंग पोर्टल पे मैप हो गया है। यहाँ पे अकाउंट नंबर बताया जा रहा है और नया आईएफएससी कोड भी दिखाया गया है और एमआईसीआर कोड और ये ब्रांच का एड्रेस, ये चार बातें आपको इसमें दिखाई जाएगी। इसके माध्यम से आप अपना नया अकाउंट नंबर बैंक में गए बिना निकाल सकते हैं।